हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल अजीज टाइम। मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश खुशोखरम होंगे। तो जनाब, आज की जो वीडियो है ना, उसको देखने के लिए आप बस बैठ जाएं, मतलब अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो मोबाइल पकड़ लें और पूरी वीडियो देखें टिल द एंड, बिकॉज इसमें आपके लिए इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। और अपने तर्ज की पहली वीडियो है, क्योंकि मैं करने वाली हूँ रिव्यू एक ही ब्रांड की टू प्रोडक्ट्स जो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। तो आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस कि एक ही ब्रांड की दो प्रोडक्ट्स के बारे में मैं कैसे रिव्यू कर सकती हूँ। जी हाँ, बिकॉज वो दोनों इतनी सिमिलर हैं कि मुझसे रहा नहीं गया। ठीक है, और प्लीज़ वही सब्सक्राइब कर लें, मैं आपको बहुत मज़े मज़े की चीज़ें देने वाली हूँ, बिलीव यू मी। सो जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं, तो यहाँ पे यहीं पे नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तो उसको प्रेस कीजिए और साथ साथ कीजिए नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस, तो ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिले ऑन टाइम। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो मैं बताती हूँ मैं किस ब्रांड की दो प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं करने वाली हूँ गार्नियर की टिश्यू मास्क के बारे में। जी हाँ, टिश्यू मास्क आपको पता है कि एक पंच होते हैं, नो डाउट। आई एम फैन ऑफ टिश्यू मास्क। मैं हफ्ते में एक बार टिश्यू मास्क ज़रूर यूज़ करती हूँ। और गार्नियर जो है, दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब इन टिश्यू मास्क। आप कोई सा भी उठा लें उनका, चाहे उनका पॉमग्रेनेट उठा लें या उनका आप कोई हाइलोरिक एसिड उठा लें, लेमन शॉर्ट, विटामिन सी। एक अभी पिछले साल, आई थिंक पिछले साल और मे बी 2019 में उन्होंने एक लॉन्च किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विटामिन सी शॉर्ट सीरम। अच्छा, अब उन्होंने एक उनका विटामिन सी सीरम का एक टिश्यू मास्क पहले भी आ चुका है, तो अब मैं दिखाने वाली हूँ कि इन दोनों का फ़र्क क्या है। जी हाँ, एक ही वेरिएंट के, मतलब एक ही विटामिन सी के दो मास्क, पर दोनों ही डिफरेंट। अब फ़र्क क्या है, मैं इन दोनों का प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। तो मैं गार्नियर के दीज टू टिश्यू मास्क, ठीक है, दिस वन इज़ ऑल्सो विटामिन सी एंड दिस वन इज़ ऑल्सो विटामिन सी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, मैं आपको बताती हूँ। ये मास्क जो है, दिस वाला जो पहला आया था इनका, दिस वन, ये जो बॉम मास्क इनके जो, यस, जो इनके बॉम जो है, इनके गार्नियर के बॉम मास्क में आते हैं, दिस वन, ठीक है, ये रेडी टू वेयर है, यानी कि आप इनको निकालें और इनको फेस पे लगा लें, राइट, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो नया लॉन्च किया था एक विटामिन सी वाला, वो ये था। आप देखेंगे क्या चीज़ है, आप कुछ साइड यहाँ आप देख रहे हैं, इसका फ़र्क है, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे सीरम है, ठीक है, ये बॉटल बनी हुई है और ये इसके ऊपर जो है आपके एरोज आप देख रहे हैं, ऊपर यहाँ पे टिश्यू है। जी हाँ, टिश्यू मास्क आप खुद बनाएंगे जब आपने इसको लगाना होगा। और ये वाला जो टिश्यू मास्क पहले इनके पास है, ये इनका, इग्नोर द साउंड, खिड़की के पास बैठने का नुकसान होता है। जी हाँ, ये मास्क आप बना सकते हैं उस वक्त जब आपने इसको लगाना है, यानी कि ये फ्रेशली मेड होगा। आपने इसको, इसमें टिश्यू अलग है और इसका सीरम अलग है, ये दोनों मिक्स नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सेपरेट है। जब आपने इसको लगाना होगा, तो आप इसका एक प्रोसेस है, पीछे यहाँ पे सारा मेंशन है, इसको आप यहाँ से प्रेस करेंगे, फिर इनकी फोल्डिंग है कुछ, और उसके बाद टिश्यू, जितना भी सीरम है वो इस टिश्यू में जाता है यहाँ से, और आप फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसकी जो वीडियो है और इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो मैं आपको अपनी वीडियो के बाद बताऊंगी, जब मैं आपको दिखा दूँ कि मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ और इसकी एक पोस्ट वीडियो बना चुकी हूँ। सो पहले मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, जब वो वीडियो देखेंगे मेरी कि बस मैंने किस तरह लगाया है, इसका प्रोसेस क्या है, इसको लगाने का, इसको बनाने का, और देन उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँगी कि इन दोनों में है, फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में से कौन सा बेहतर है, राइट। सो पहले आप वीडियो देखते हैं और फिर आपको मैं सारा डिटेल से बताऊंगी। सो लेट्स वॉच माय वीडियो। ओके, बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि ऊपर टिश्यू है इसका और नीचे इसका सीरम है। आई होप कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट ना हो और आपको सही तरह से नजर आ रहा हो। ये सी, ये देखें, विटामिन सी सीरम, और ऊपर उन्होंने यहाँ पे टिश्यू अलग से दिया हुआ है, टिश्यू ये अभी मिक्स नहीं हुआ हुआ। सो इसको कुछ मिक्स करने का तरीका कुछ यूँ है, यहाँ पर उन्होंने फोल्डिंग बताई कि इसको कुछ फोल्ड करना है। यहाँ पे लाइंस हैं, यू कैन सी कटिंग लाइंस हैं, डॉटेड लाइंस, यू कैन सी दिस इज ये वाली ये कटिंग लाइंस की तरह की है, ये काटना बिल्कुल नहीं है, ये फोल्ड करना है। एक तरीका है फोल्ड करने का, मैं आपके सामने स्टेप बाई स्टेप करूँगी, फिर आप देख लीजिएगा कि किस तरह से ये हो रहा है। फर्स्ट स्टेप जो है, इसको वन साइड से आपने फोल्ड करना है, सेकंड स्टेप में आपने अदर साइड से फोल्ड करना है। ये एक इस तरह से एक सिलेंडर का शक्ल बन जाएगी, और फिर इस तरह से इसको प्रेस करेंगे तो मेरे ख्याल यहाँ से सीरम जो है वो टिश्यू में जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट, आपके सामने मैं करती हूँ, तो यू कैन सी ये कैसे हो रहा है।
पहले मैंने फोल्ड करना है यहाँ से, ये पहला फोल्ड डॉटेड लाइन से मैंने किया। फिर आप दूसरी डॉटेड लाइन है ये वाली, फिर मैं इसे करूँगी फोल्ड से यहाँ से राइट। ये सीरम की बॉटल है जो वो ऊपर की तरफ आ जानी चाहिए, ये देखिए ये बॉटल कुछ इस तरह से ऊपर आ गई। अब मैं इसको प्रेस करूँगी, उन्होंने बोला है कि इसको पुश करना है इतना कि वो सील ओपन हो जाएगी। आप इसको अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है, अंदर से अंदर जितना भी सीरम नीचे है वो आपका टिश्यू में डिजॉल्व हो जाए और अच्छी तरह से टिश्यू को एब्जॉर्ब कर ले। नाइस ओके, अब मैं फिर मैं इसे खोलती हूँ और मैं देखती हूँ मैंने खोला है। ओके गाइस, यू कैन सी अब सारा सीरम ऊपर आ चुका है। यू कैन सी टिश्यू जो है वो वाइट था पहले, वो येलो हो रहा है, नहीं हुआ मुझे उसे अच्छी तरह से प्रेस कर लिया और सारा जिस सारा सीरम को मैंने अच्छी तरह बनाया और मैं जैसा किया मैंने मुझे प्रेस करके अच्छे से सीरम पूरे के पूरे डिशू में ऐसा होता है और आप अच्छे से मास्क को अच्छे से कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहा यहाँ पे और सारा यहाँ आ चुका है ऊपर की तरफ। सो आई थिंक आई और मैं अच्छी तरह से सारा कॉन्टेंट जो है वो आपके पीछे में रहे और ये बबल ऊपर जा रहे हैं, बहुत मज़े की चीज़ें ऐसे मैं तो मतलब मुझे तो करके इतना एंजॉय कर रही हूँ। जो विटामिन सी शॉट है ये इसके जैसा क्या करता है, टिशू मैं यहाँ से माफ दिया हुआ इस अच्छा जी आप आ गए हैं। So, oh my god, this is so much. इसके अंदर और सीरम है, साइड पे रखती हूँ, मैं ये करूँगी। ऐसे मैं बहुत डिजास्टर करती हूँ जब भी मैं इस तरह के टिश्यू मार्क्स यूज करती हूँ कि मैं खूब फाड़ देती हूँ। आई नीड टू बी वेरी जेंटल जेंटल। लुक, दिस इज सो रिच। इसका जो सीरम है बहुत रिच है। पिछली बार आपकी बहन ने बिल्कुल ठीक इंसानों वाला सीरम का दो मास्क शीट मास्क है, सीरम भी देखने लगा और मास्क भी देखना फटा गया और हर बार मेरे से मास्क फटा था। तो हमने सारा जो सीरम था जो बाकी बच गया था वो मैंने अपने हाथ में ले लिया है। इसमें काफ़ी सीरम था, ये मास्क फुल ऑफ सीरम था और मैंने इसको अच्छी से नेक्स्ट पे अपने अप्लाई कर लिया है और अपने हैंड्स पे भी जो बच गया था वो मैं अप्लाई कर लूँगी। ये मास्क आपने देख लिया है, टिश्यू मास्क इस तरह का है, मैंने भी डेमो सारा दे दिया है। अब हम वेट करेंगे 15 से 20 मिनट्स के लिए। गाइस 15 मिनट्स हो चुके हैं, आई विल टेक इट ऑफ एंड चेक इट आउट। I feel so plump right now. काफ़ी ग्लो है स्किन के ऊपर और डार्क सर्कल्स जो हैं या डार्क स्पॉट्स जो हैं एक्चुअली वो थोड़े से लेस विजिबल हैं। सो इट्स रियली रियली नाइस, आई रियली लाइक द फीलिंग इसके ऊपर, बहुत प्लम्पनेस एंड फ्रेशनेस एंड ग्लोनेस। सो आई रियली लाइक इट, यस मेरी तरफ से टोटली विन विन है ये। यस आई होप कि आपको समझ आ गई होगी मेरी वीडियो देख के, उससे मैंने थोड़ा सा रिव्यू भी दे दिया है कि मुझे इसकी क्या फील आई है। तो मुझे बहुत अच्छी फील आई थी गाइस, लिटरली इतनी अच्छी फील आई थी। ये वाला मेरा यूज्ड वन है, मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ, ये आप देख रहे हैं खुला हुआ यहाँ से राइट, ये खुला हुआ और मैं उसके फौरन बाद इसको दूसरा मैंने परचेज कर लिया था। अच्छा बात, अब बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इनके पीछे क्या लिखा है और इसके पीछे क्या लिखा है, तो आई थिंक देन आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इसकी जनाब इनकी जो पहले लॉन्च हुआ था इनका पहले वाला हाइड्राबॉम सीरीज का, ठीक है। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जी ये है सीरम मास्क लाइक कम्प्लीट लेमन विटामिन सी एंड हाइड्रोनिक एसिड सीरम, ठीक हो गया स्किन एंड सूटेबल फॉर डल स्किन विद डार्क स्पॉट्स। और ये एशियन स्किन के लिए, गार्नियर की सारी ब्रांड जो है वो एशियन स्किन के लिए है। सो दिस इज इट, ये इन्होंने बता दी कि अगर डार्क स्पॉट्स है या डल स्किन है या जिनको विटामिन सी की ज़रूरत है या हाइड्रोनिक एसिड की ज़रूरत है, डीप इंटेंस हाइड्रेशन की ज़रूरत है, ये उसके लिए, ठीक हो गया। ये रेडी टू वेयर है, आपने खोला इसको निकाला और लगा दिया।
अच्छा, अब बात करते हैं विटामिन सी शॉट जो इनका नया लॉन्च है, ये वाला, ठीक हो गया? जो मैंने अभी आपको इसका थोड़ा सा डेमो भी दिया है कि इसको किस तरह यूज करते हैं, इसको बनाने का तरीका टिश्यू है ना, ये कहने के लिए वो एलजी ड्राई टिश्यू है, राइट? अच्छा, मिक्स इट व्हेन यू नीड इट, फ्रेश एंड अल्ट्रा एफिशिएंट। जैसे आप इसको बनाएंगे, इसके अंदर जो सीरम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी स्किन के लिए डीप इंटेंस हाइड्रेटिंग जो है वो प्रोवाइड करेगा आपकी स्किन को। आप ऑलमोस्ट वही बात है सब कुछ जो इससे कीजिए आप, ऑलमोस्ट इन दोनों की बातें सेम है। इसमें कुछ ज़्यादा इन्होंने इंटेंस बात नहीं की है कि जिसके अंदर एल जी ड्राइट टिश्यू, इसमें काफ़ी ज़्यादा सीरम है गाइस। जब मैंने इसको यूज़ किया था इसमें बहुत ज़्यादा सीरम था, इतना सीरम था कि कुछ जाने के बाद भी थोड़ा सा यहाँ रह गया था, और फिर मैंने उस सीरम को पूरा अपने गर नेक के ऊपर, अपने हैंड्स के ऊपर अप्लाई किया था। अच्छा, अब मैं बताने लगी हूँ मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दीज टू। इस पर एक बात मेंशन की है जो इस पर भी है और इस पर यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है, ये रिकमेंडेड है कि आप इसको हफ्ते में 3 दिन लगा सकते हैं, जबकि इसके बारे में इसको हफ्ते में एक बार लगाएंगे और आपको ल्यूमिनस फीलिंग आएगी टिल द होल वीक, यानी कि आपकी स्किन फ्रेश होगी, आपकी स्किन डल नहीं होगी और आपकी स्किन के अंदर जो हाइड्रेशन है, जो बॉम है, जो पंच है वो रहेगा। ये तो बात होगी जो इन्होंने कही है। अब मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ इन दोनों को लेकर, मेरे क्या रिव्यूज हैं। ये इनके हाइड्रा बॉम सीरीज की 2 गुड थे, नो डाउट। अच्छा, इसके बारे में जो मेरा रिव्यू है, दिस इज रियली गुड गाइस। इट्स नॉट कि ये कोई नई चीज़ है या कोई बहुत कि आपको मिक्स करनी पड़ती है और आपको इतना कोई साइंटिफिक सी चीज़ लग रही है, बट इट रियली डिलीवर्स व्हाट इट सेज। सो आपको वाकई फील होता है, मेरी स्किन सुपर सुपर ड्राई है एज यू गाइज ऑलरेडी नो दैट। सो जब मैंने इसको लगाया तो इतनी मॉइस्चराइज हो गई थी कि मैंने शाम को कहीं जाना था और मैंने इसको दोपहर में लगाया था। कैन यू बिलीव कि मैंने शाम तक कोई मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं किया, उसी स्किन के ऊपर मैंने प्राइमर यूज़ किया और उसके बाद मैंने अपना जो मेकअप है वो सारा कर लिया और मेरा मेकअप बहुत अच्छा ल्यूमिनस मेकअप मेरा रहा और बहुत देर तक, मतलब इट्स ग्लोइंग, मतलब मेरा मेकअप इज़ ग्लोइंग। सो इसके ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आई रियली रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट कि आपका जो आपका बना नहीं हुआ, जब आपने बनाना है और इसको, लेकिन आपको देखिए कि फ्रेशली मेड है, ये नहीं कि जिसका ये है कि अभी भी पड़ा हुआ है तो एक्सपायरी डेट है तो आप इसको एक्सपायर कर देंगे, तो दिस कैन बी यूज लाइक फॉर अ लॉन्गर रन आई गेस। और फिर अच्छी बात है कि ये ज़्यादा इंटेंस है, ये ज़्यादा इसमें सीरम है और आप इसको लगाएंगे तो आपको वाकई वो एक पंच जो है वो एक पंच डेफिनेटली कि जब आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिलेगी तो ग्लो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन के अंदर से आएगा। सोचो तो इन दोनों में से इफ आई हैव टू चूज, आई चूज दिस वन। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसकी इतनी एक खूबसूरती है कि आप इसको यूज़ करें, इसका इफेक्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है डल स्पॉट्स, डार्कनेस, स्पेशली डल स्किन के लिए अमेजिंग। इनके सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू, दिस वन डिलीवर्स द मोर पंच है इसमें हाइड्रेशन का, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ। सो आई विन विन दिस वन, बोथ आर विन विन, बट इफ आई चूज तो आई चूज दिस वन। कहाँ से मिलेगा उसके लिए आपको मेरा देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देखना नहीं भूलना, उसमें मैं मेंशन कर चुकी हूँ कि आपको कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और इन दोनों को अगर आप यूज़ करके देखें कैसा है, तो ये था मेरा कंपैरिजन। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं, आप टोटली दोनों रिकमेंडेड हैं, आप ये भी ले सकते हैं ये भी, पर दीज टू आर गुड, बट ऑफकोर्स एक चीज़ को एक को जीतना होता है तो दिस वन इज अ विन विन। तो ये था मेरा आज का रिव्यू गार्नियर के टिश्यू मास्क के ऊपर, इसमें एक न्यू है इनका और एक इनका पुराना है और मैंने दोनों के रिव्यू किए हैं। और अगर आपको कुछ और भी पूछना चाह रहे हैं मुझसे, आपको कुछ चीज़ की समझ नहीं आई है, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू नो सम, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़रूर अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो, ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस करें नोटिफिकेशन का बटन एज वेल। और मैं ढेर सा ख्याल रखिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मुझे दीजिए ज़्यादा, अल्लाह हाफिज़।